गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूँ। गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूँ। कुछ ऐसी मशक है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। माशाल्लाह, अब आइए मिला ताखीर शहंशाह खिताबत खतीब बाकमाल तलीकुल लिसान फसीहुल बयान हजरत अल्लामा व मौलाना कारी शफीकुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी जनकपुर नेपाल धाम की सरजमीन से आए हुआ खतीब का इस्तकबाल। खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद। पूरा जिंदा दिली के साथ दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा दीजिए, हमारी आवाज में आवाज मिला दीजिए। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, न दारा की बात है न सिकंदर की बात है, न दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। न दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। परहेजगार भी है गुनहगार भी, हाँ जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, की बात है। पूरा जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को फिजा में लहरा दीजिए, नारे तकबीर। माशाल्लाह, जैसे आवाज, जैसे हाथ को बुलंद कर रहे हैं वैसे आवाज को भी बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। इश्को उल्फत का ये मियार कोई देखे तो, अब वैसे करनी का जरा प्यार कोई देखे तो, पूरा जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्को उल्फत का ये मियार कोई देखे तो, अवैसे करनी का जरा प्यार कोई देखे तो, फिर दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत क्या है, सीरते सिकते अबरार कोई देखे। मंच पर विराजमान महान बख्तब उलमाए किराम, पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारे नौजवान जो सामने खड़े हैं, अगर अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो बैठ जाए। वाह भाई वाह। अगर नीयत यह है कि अल्लाह मेरी माँ की उम्र में बरकतें अता फरमाए तो बैठ जाए। चूंकि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। माशाल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम, والصلاة والسلام على من اقتصى بخلق نظيم وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وأهل سنته قاموا بنشرة الدين القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين. نبی کی یاد میں خسرو کلام کرتے ہیں،
नबी की याद में खुशरू कलाम करते हैं, नजामे दीन के पहलू कलाम करते हैं और नबी के नूर का चर्चा कहाँ नहीं होता। नबी के नूर का चर्चा कहाँ नहीं होता, वो पहली रात में जुगनू कलाम करते हैं और तुम्हें बचाना है इस्लाम के सफीने को, तुम्हें बचाना है इस्लाम के सफीने को, अली के लाल के बाजू कलाम करते हैं और चले तो संग के सीने पे नक्श पा उभरे, चले तो संग के सीने पे नक्श पा उभरे, तो नरम तलवों से बालू कलाम करते हैं। जाना है तो सब लोग साथ में चलें ताकि मुझे भी कुछ आराम मिल जाए। जब स्टेज से जलसे का सदर चला जाए, सेक्रेटरी चला जाए, अनाउंसर चला जाए, उलमा चला जाए, तो उस जलसे के बारे में आप सोच सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुर्बानी की कुर्बानगाह में मुझे अकेला छोड़ दिया लोगों ने, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो थोड़ी देर तकरीर हो जाएगी। नौजवान जरा ठंडे दिमाग से बैठ जाओ। ऐसा लगता है कि ऐसा टाइट पैंट पहने हैं कि पता ही नहीं चलता पहन के सिलाए या सिला के पहना। कुछ कहना बाकी रह गया क्या? अगर आप चाहेंगे तो तकरीर होगी, नहीं चाहेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज नबी की आमद के महीने में हम सब बैठे हैं। रबी उन नूर का महीना है और मेरे आका आ गए तो कायनात में बहार आ गया। आज जो हम बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्तफा आ गए, हमें बोलने का तरीका मिल गया है। माशाल्लाह, जितने लोग दिलवर शाही से मोहब्बत करने वाले थे वो जा चुके हैं। अच्छी चीज है शायरी सुनना, मुस्तफा की सुन्नत है, लेकिन आज आप जिस दौर में हो उस दौर में अगर आपने उलमा की तकरीर नहीं सुना तो तुझे रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। जलसे में आओ तो कुछ लेके जाओ, इसलिए कि ये किसी और का जलसा नहीं है, मेरे नबी का जलसा है। जितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोल दे, या रसूल अल्लाह, जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीना मनव्वर की जियारत नसीब फरमा। आमीन आमीन। मौला, जितने हाथ उठे हैं तमाम की उम्र में बरकतें अता फरमा। आमीन। मौला, जितने हाथ उठे हैं उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। आमीन। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा हम सुन्नियों का बेड़ा। माशाल्लाह, अगर ये नौजवान
लाइन पे आ गए तो दुनिया इसके कदमों में आ जाएगी। इसलिए आज मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ, मेरे नौजवानों तुम ठीक हो जाओ। आज नौजवानों का हाल क्या है, ताज्जुब होता है, ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि पता ही नहीं चलता दूर से देखने के बाद कि आ रहा है कि आ रही है। ये हाल है, सामने का बाल देखो, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में ये कौन डिजाइन है यार, दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पूंछ, उसमें भी कई डिजाइन, लाल पीला हरा। ए नौजवानों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के डाल दिया है, तूने नकल किया है तो किसी नचनिए की नकल किया है, नकल किया है तो किसी गवैये की नकल किया है, नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है। अरे नकल ही करना है तो बरेली के ताजू शरिया की नकल करो, नकल ही करना है तो देवा के वारी से फात की नकल करो, नकल ही करना है तो कछौछा के मखदूमे सिमना की नकल करो, नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूबे इलाही की नकल करो, नकल ही करना है तो अजमेर के करीब नवाज की नकल करो, नकल करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो, नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत नारे तकबीर। माशाल्लाह, अभी ये दिल्ली का मजमा है और ये तो नई बात नहीं है। हमारे अल्लामा कारी अल्ताफ साहब जानते हैं कि जब दिल्ली में लोग सो जाते हैं तब मेरी तकरीर होती है। कारी रुस्तम साहब भी बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, नारे का बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, लेकिन कुछ नौजवान अभी भी पीछे से नारा देख रहे थे, नारे तकबीर। वे नारा कोई देखने की चीज है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस्लाम की टू दी पीपल ई कोड भी जहावर आर्जिक इन इट सिंपलिसिटी वास कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट इन एकॉर्ड विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन प्रेव सीन नो प्रीवियस प्रेड हॉट द एम्पायर ऑफ द प्रस्ट इन द पार्ट ऑफ रोमन दियर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड। वाह भाई वाह 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 बहुत खूब। आओ आज चश्मे रबी उन नूर में, नबी की आमद का महीना है। एक बड़े स्कॉलर ने कहा था, इस्लाम ऑल द बेस्ट मजहब, इस्लाम सबसे सुंदर मजहब है। आज इस्लाम का किरदार मुसलमानों से चमका, आज मुसलमानों के अंदर इस्लामी किरदार नहीं है। बड़े स्कॉलर ने कहा था, इस्लाम जो पूरी दुनिया में फैला है ताकत की बुनियाद पे नहीं, इस्लाम जो फैला है तीरों तलवार से नहीं फैला, भाले बरछी से नहीं फैला, इस्लाम जो फैला है गोली बारूद से नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार से फैला है, इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के आने से फैला है। हजरत अल्लामा व मौलाना शफीकुल्ला साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने जो लोग अपने माँ से मोहब्बत करते हैं वही हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जरा अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, साबिरे पाक के नाम पे, सास ससुर के नाम पे, बोलो यार। रिश्तेदार हो ना हो, नबी का वफादार हो,
और माशाल्लाह ये हवा की बेटी गाली दे तो एक सांस में सात खानदान को साफ कर जाए और जहां बैठ जाए गिन 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 एक बात नहीं समझोगे पूरा मोहल्ला गरम। ए मेरी माँ तुम माँ हो, मुस्तफा के आने का सबसे बड़ा एहसान तेरे ऊपर है। अबे तू बाजारों में बेची जा रही थी, तू और मर्दों का खिलवाड़ थी, तू जमीन के नीचे गाड़ी जा रही थी, लेकिन आज तू नमाज से दूर है, आज तू झूठ से करीब है, आज तू चुगलखोरी करती है। ए माँ तुम भी माँ हो, पहले भी माँ थी, पहले की माँ माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कपड़ा पहनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, पहले की माँ माँ थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई ऐसी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह बहुत खूब हक है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, जरा लहरा के बोलो या हुसैन या हुसैन, दिल से या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सब मिल के बोलो मरहबा, शर्माना छोड़ो मरहबा, जरा जोर से बोलो। माशाल्लाह मैं तो सोच रहा था कि करम प्रधान विच कर रहा था जस करी तस फलवा चार था सुरंगियो जो तन सह शुक्र रहा सिबिन पक्षे चली स्वे बिन कान कर बिन कर्म दित ध्याल विरत चंबर नाथ महाशंकर बारी जस करनी तस भोग हो जाता अन्न रक में जाता तो कहे पछताता। लेकिन हम तो वो हैं कि बड़े बड़े स्कॉलर ने कहा था, एक स्कॉलर बहुत बुद्धिजीवी थे, उसने कहा, उसने ये बड़ा खूबसूरत मंत्र कहा था, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अदको नशम उदयम तदो दिव्य संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम वर्धम खुशम निर्मति माशाल्लाह। यहाँ तो हमारे जलसे में बैठने वाले बुजुर्ग लोग संस्कृत भी समझ रहे हैं। अबे समझना चाहिए, हम तो मुसलमान हैं आंखों से पढ़ लिया करते हैं। बाबू ठीक से बैठ जाइए, मैं समझ रहा हूँ मजबूरी है। चेहरा देखिए तो दमदम का एयरपोर्ट, जवान तो जवान चचा लोग, ठीक आपको मालूम है अगर 10-12 को हजरत अगर किसी ट्रेन के डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देते।
स्टेशन पे चला जाए पूरा स्टेशन परेशान, एयरपोर्ट पे चला जाए पूरा एयरपोर्ट परेशान। ए सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वाले शफीक का जुमला सुनो, अबे जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज इस जलसे से पैगाम ले जाओ, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा समाना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, रास्ता दे दो, नबी का वफादार जा रहा है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा व मौलाना शफीकुल्ला साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, जरा जोर से बोल दीजिए, सुनने वाली आवाज, टनाटन टनाटन है कि नहीं। और जैसे ही रबीउल अव्वल आया उन लोग बड़ी तकलीफ, लेकिन हमें क्या कहना है, जो जले हश्र तक डालेंगे हम पैदाई से मौला के धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाई से मौला के धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना दे जाए, जिक्र उनका सुना दे जाए, जिक्र उनका सुना दे जाए। वाह 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 वाह, बहुत जरा जोर से बोल दो, सरकार की आमद मरहबा। आगे वाले चुप हो जाए, पीछे वाले सरकार की आमद, जो लोग खड़े हैं उनको भी बोलना जायज है, अगर बैठना जानते हैं तो बैठ सकते हैं और नहीं बैठना जानते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, चूंकि ये दुनियादार का जलसा नहीं है, यहाँ जो बैठता है समझ लो अपने महबूब के गुलामी में बैठता है। माशाल्लाह, शायरे हिंदुस्तान हजरत कारी शमसुद्दीन, दो चार ही मेरे दोस्त बच गए हैं, नहीं तो और स्वानम स्वाहा। लेकिन भाई मैं तो फकीर आदमी हूं, हमारे हजरत लोग कभी कभी मोहब्बत में कह देते हैं कि हजरत से कब्रिस्तान में भी तकरीर करवा दो। मैं बोला यार जहां बोला दो हमको भी वहीं जाना है, बोलूंगा तुम लोग भी सुन लो। मैंने एक मंत्र पढ़ा था, प्रथम प्रथम, उस मालिक ने जब पैदा किया तो सबसे पहले किसको पैदा किया, सबसे पहले किसको पैदा किया, अल्लामा कारी अल्ताफ साहब, बेहतरीन कारी, बेहतरीन अदीब, बेहतरीन मुदर्रिस, बेहतरीन इदारा चलाते हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। लेकिन आपसे मेरा एक प्रश्न है, आप बताइएगा, पहले मोहम्मद अल्ताफ मौलाना बने बाद में, पहले मोहम्मद अल्फात अल्ताफ हाफिज बने बाद में, पहले मोहम्मद अल्ताफ कारी बने बाद में, शफीकुल्ला को ले लीजिए, पहले शफीकुल्ला मौलाना बना बाद में, पहले शफीकुल्ला चतुर्वेदी बना बाद में, पहले शफीकुल्ला कुछ भी बना बाद में, और ऊपर चलिए पहले अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत बने बाद में, पहले मुस्तफा रसा मुफ्ती आजम हिंद बने बाद में, पहले अहमद रसा आला हजरत बने, पहले मैनुद्दीन हिंदुस्तान का राजा बने बाद में, पहले मैनुद्दीन गरीब नवाज बने बाद में, और ऊपर चलिए पहले अब्दुल कादिर गौसे आजम बने बाद में, पहले अब्दुल कादिर सरकार महीउद्दीन बने बाद में, और ऊपर चलिए पहले अबू बकर सिद्दीकी अकबर बने बाद में, पहले उमर फारूक आजम बने बाद में, पहले अली शेर खुदा बने बाद में, पहले आम इंसान सहाबी बने बाद में,
और ऊपर चलिए, पहले आदम शफीहुल्ला बने बाद में, पहले मूसा कलीमुल्ला बने बाद में, पहले ईसा रूहुल्ला बने बाद में, पहले इब्राहिम खलीलुल्ला बने बाद में, पहले इस्माइल सबीहुल्ला बने बाद में, पहले नूह नजीउल्ला बने बाद में। लेकिन कुर्बान चाओ अपने आका व मौला पर, मेरा तेरा कायनात का रसूल पहले बने रसूलुल्लाह, आमना का बेटा बने बाद में, पहले बने रसूलुल्लाह, अब्दुल्ला का लख्ती जिगर बने, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने हुलंबी कला, नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह माशाल्लाह, सब लोग तकबीर सुनेंगे, तैयार है? जनवरी फरवरी अभी दुआ दे देंगे, एक हफ्ते में जवान हो जाएगा। अगर मेरी दुआ कबूल हो जाए तो लोग मेरे घर पे लाइन लगा देंगे। अरे हम तो टना टन है, बोलो टना टन है कि नहीं? हम तो खाजा की बारगाह में जाते, खाजा दे खाजा, एक साहब मांग रहे थे दे देखा जाए, एक वो नाम नहीं बताऊंगा आ गए, मैं खाजा कुछ नहीं देंगे, 10 रुपया मुझसे ले लो, ले ले, बोला खाजा वाह वाह वाह, तेरा करम है, तू दिलाया भी उसी से जो तुझे मानता ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना है तू, वाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए कायनात में बाहर, मुस्तफा आ गया जीने, आ गए जीने का तरीका, इसलिए मेरा नबी लाजवाब है। जरा जोर से बोलो मेरा नबी लाजवाब है, और जोर से बोलो मेरा नबी लाजवाब, और जोर से मेरा नबी लाजवाब, और जोर से मेरा नबी, इतना लाजवाब इतना लाजवाब। क्या हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं, वो अहसनु मिन कलम तरक्कत वईनी वो अजमलु मिन कलम तलदिन निसाओ खुलिकता खुलिकता बर्रा अन मिन कुल्ली आइबिन कानक कद खुलिकता कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीनो जमील आज तक मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं है, आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा बच्चा आज तक किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया है। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप में से कोई शख्स खड़ा हो जाएगा, शफीकुल्ला भाई हजरत हसन कहाँ पैदा हुए? मैंने कहा अरब में पैदा हुए। कहाँ कहाँ तक सफर हुआ होगा? मैंने कहा गल्फ की जितनी कंट्रीज है सारी कंट्रीज का सफर हुआ होगा। कहा हिंदुस्तान आए? मैंने कहा नहीं। कहा श्रीलंका? मैंने कहा नहीं। अमेरिका? मैंने कहा नहीं। स्विट्जरलैंड? मैंने कहा नहीं। हाईलैंड? मैंने कहा नहीं। थाईलैंड? मैंने कहा नहीं। कहा हो सकता है, हो सकता है आलमे मोहाल में कोई बच्चा इन शहरों में ऐसा पैदा हुआ हो जो मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, मेरे नबी से ज्यादा अच्छा हो। जैसे ही कहा मैंने कहा आओ सब लोग मिलकर चलते हैं बरेली, सब लोग चलते हैं बरेली, जिस बरेली के इमाम ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हमारे सीने में उसके रिसालत का चिराग चलाया है, बरेली चलो, इस सवाल का जवाब हल करते हैं। चले बरेली, आला हजरत के मजारे मुकद्दस को चूमा, सरकार बता दीजिए ना जहन परेशान है, क्या मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो मेरे आका सरकार आला हजरत फरमाएंगे आओ आओ, मैं तुझे एक हदीस सुनाता हूँ, बारगाह नबी है हजरत जिब्राइल हाजिर है। मेरे नबी ने जिब्राइल से पूछा हे जिब्राइल तूने मशरिक को मगरिब को देखा? कहा देखा। जुनूब को आसमान को देखा? कहा देखा। सजरो हजर को देखा? कहा देखा। कहा कायनात के जर्रे जर्रे को देखा? कहा देखा। कहा आदम की आदमियत को देखा? कहा देखा। यूसुफ के जमाल को देखा? कहा देखा। इब्राहिम की खुल्लत को देखा? कहा देखा। इस्माइल की जबाहत को देखा? कहा देखा। कहा नूह की नजावत को देखा? कहा देखा। कहा जिब्राइल
बताना 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 क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा, मुझसे ज्यादा अच्छा किसी को देखा, मुझसे ज्यादा बेहतर किसी को देखा। हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह बात तो सही है, मैंने मशरिक को मगरिब को देखा, शुमाल और जनूब को देखा, शर्क को गर्ब को देखा, कायनात के चप्पे चप्पे को देखा, आसमान को पलट के देखा, जमीन को पलट के देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा है। करैली का इमाम पुकार उठे, यही बोले सुदना वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, और झूम के माशाल्लाह। ये नए नए नोट है, एक बात तो सही है, जो नोट कहीं नहीं चलता वो जलसे में चल जाता है। भाई मैं तो नेपाली आदमी हूं, लेकिन आपके सोहबत में रहते रहते सब नोटों को पहचान गया। एक जलसे में एक अनाउंसर साहब अनाउंसरी कर रहे थे, भाई ये दिल्ली है, दिल्ली महबूबे इलाही की दिल्ली है। वाह वाह, दोनों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ लोग सब लोग 10-20 का ही दे रहे हो, कोई 500 का नोट नहीं दिए। एक 80 साल का चचा जोश में आ गया, 500 नोट निकल पहुंच गए, अनाउंसर साहब को दिया, नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौस। चचा वहीं खड़े, बोला चचा दे तो दिया, जाइए। का बोला बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर दो। बड़ा खूबसूरत मजमा है, और क्यों ना हो कि जश्ने विलादत, जश्ने विलादत मिलके मनाओ पर रबीउल अव्वल को, जश्ने विलादत मिलके मनाओ पर रबीउल अव्वल को। यौमे नबी है, यौमे नबी है, यौमे नबी है, ना सुनाओ पर रबीउल अव्वल को। नूर आया जुल्मत भागी, सबकी किस्मत जागी है, नूर आया जुल्मत भागी है, सबकी किस्मत जागी है। धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मचाओ पर रली उलाओ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है। जरा जोर से बोल दो, सरकार की आमद, मरहबा। जिनके हाथ सलामत है उठा सकते हैं, जरा दोनों हाथ लहरा के, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सब मिल के बोलो, शर्माना छोड़ो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। माशाल्लाह, आज हमारे मौलाना कारी शाह आलम साहब क़िबला, उनके सदर साहब है कि चले गए, हिजरत कर गए, आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी हमारे दिलबर भाई को उड़ीसा जाना है, भाई मेहमान हैं, उनको भेजना भी ज़रूरी है। आज माशाल्लाह सबसे बड़ी खुशी हुई, कम उम्र के सदर आजकल चुपके चुपके, जिस तरह औरत चुपके चुपके गाली देती है, आजकल लोग चुपके चुपके मदरसे का नाम रख लेता, पूरा अल हजमो में अल पच। बड़ी खुशी हुई, मदरसे का नाम, मदरसे का वो तालिब इल्म के घर में अपनी जिंदगी लुटा दी। आज उस बच्चे का नाम को जिंदा रखा कयामत तक के लिए। आज मौना शाह आलम उनकी मां बाप अगर जिंदा हो तो अपनी किस्मत पे फख्र करे। ये देखिए दो दो हाफिज कुरान, अब ये हो गए इमाम साहब, कल से थे तालिबे इल्म, अब हो गए हाफिज। इसके सीने में कुरान,
अब कुरान न मिटा कल था ना आज न सुबह कयामत तक कोई मिटा सकता है। इसलिए मेरा दावा है कुरान था कुरान है कुरान। पूरा मजमा दिल से बोले ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए, दोनों हाथ लहरा के कि कुरान था कुरान है कुरान। जो जितने जोर से बोल रहे हैं मौला उसके सीने को मजबूत कर दे, दोनों हाथ लहरा के कि कुरान था कुरान है कुरान। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था एहसान है एहसान। माशाल्लाह कोई नया पैगाम आ गया खत्म कर दूं? नहीं, जब मोबाइल आ जाए तो अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट टूट जाते हैं, लेकिन हमें हम तो कॉन्टेक्ट वाले नहीं, हम तो आशिक हैं और इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं। कोई किसी बीवी से मोहब्बत ज्यादा करता है ताकि टाइम से खाना मिल जाए, कोई प्रधान से मोहब्बत करता है ताकि मौके पर काम आ जाए, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए। इन उलमा का जवाब होगा, बिलखसूस कारी शाह आलम का जवाब होगा, कारी अल्ताफ का जवाब होगा, शफीकुल्ला हमारा सहारा। कोई गुंडा नहीं हो सकता हमारा सहारा, कोई बदमाश नहीं हो सकता हमारा सहारा, कोई प्रधान नहीं हो सकता हमारा सहारा, कोई मुखिया नहीं हो सकता। तो मैं इन उलमा के कदमों को चूमूंगा, हम लोग सुन्नी है हमें तो सहारा चाहिए। तो इन उलमा का जवाब होगा, शफीकुल्ला ऐलान कर दो हमारा सहारा है। का कौन का हमारा सहारा वही है जो बरेली की ताज शरिया का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो मुफ्ती आजम हिंद का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो सरकार वारी से पाक का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी का सहारा है। अब इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा कौन है तो बरेली के इमाम से पूछते हैं, तो बरेली का इमाम पुकार उठे खमसदों को रसा मुस्तादी जिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा व मौलाना शफीकुल्ला साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत को। माशाल्लाह, ए बाबू राजा सोना बैठ जाओ, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। ए 25 ग्राम बैठ जाओ, बड़े अच्छे लोग हैं, नौजवान है भाई, दुआ कर देंगे तेरी जल्दी शादी हो जाएगी। जब किसी से दुश्मनी सधाना हो तो उसकी शादी करवा दो। नारा लगाया भाई, नारे का जवाब दो। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप ऋग्वेद अथर्वेद अजर्वेद सामवेद भविष्य पुराण भूषण पुराण श्रीमद भागवत पुराण तमाम वेदों को पढ़िए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तु विश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्वीयो न जातो जानिष्यते एकम पुरो धीतिये नास्ते नीना नास्ते किंजन एकम एवं मदुद्यम मदस्त्रीदिमोस्ति इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निवाहु वेदो दिव्य स्मरणो गुरुद्वारम एकम नदी बड़ा बहुधा वलन गिरम इमम दृश्वन वाह भाई, नया मंत्री दर शुरू हो जाता है, मेराज भाई का साउंड है, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये सारे मंत्र इसलिए सुनाए, अब 10-20 मिनट तकरीर सुन लो। ए बाबू, ए राजा मोबाइल बाबू, थोड़ा रहम करो यार गरीब पे, ये तो 50 किलो का वजन है, 40 किलो का मोबाइल है। अच्छी बात है मोबाइल चलाओ, लेकिन हमने आज मोबाइल का गलत यूज किया है। मोबाइल अगर है
तो उसमें नबी की नात सुनो, अपने उलमा की तकरीर सुनो, इस्लाम को समझो। जलसे में सुभान अल्लाह लगाना अच्छी बात है। आज हमारे पड़ोसी भाई, आज एक जमाना था कि लोग मुसलमान को देख करके मुस्तफा का दीवाना बन गया। बेशक बेशक, कोई दूर की मिसाल नहीं है। हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा, अकेले आए हिंदुस्तान में, कहीं लाठी नहीं चलाया, कहीं तलवार नहीं चलाया, कहीं भाले बर्छी का इस्तेमाल नहीं किया। 90 लाख लोग कलमा पढ़ लिए। कितने लोग कलमा पढ़ लिए? 90। जरा जोर से बोलो, पूरा मजमा बोल दो। हिंदुस्तान का कोई राइटर लिख के ये नहीं बता सकता कि ख्वाजा ने किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाया। लाठी के जोर पे, तलवार के जोर पे ख्वाजा गरीब नवाज ने किसी को कलमा पढ़ाया नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के राइटरों ने यही लिखा कि हिंदुस्तान के लोगों ने जब गरीब नवाज को देखा तो कहने लगा, जब नवासा इतना लाजवाब है तो नाना कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सबने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी माँ बहने भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है उलमा से पूछो, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मैंने जो मंत्र पढ़ा, एकम रोम धीधिये नाश्ते नीरा नाश्ते किंजन एकम मकदूद्यम नतर प्रीति मोष्टि। इस संसार का रचना करने वाला एक है, द्वितीय नाश्ते दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं मधुत्यम दस प्रीति मोष्टि, वह एक है दूसरा कभी नहीं होगा। तब लोग कहते हैं हम उस मालिक के भक्त है जो संसार का जन्म विधाता है, जिसने संसार को पैदा किया है, संसार को जन्म दिया है, और उसका आखिरी अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा यहाँ न पाक बात कुछ राखो, वेद पुराण सुनत मत बाकू, पर सत्र संद्रम हुई थे के बाद न पावे कोई, देश अरब भरक लता सुहाई, सुतल भूमिगत सुनो घगराई, असर छत संद्रम सचारी, तिनकर वंश हुए भुवारी, तब हुई लंग लंग अवतारा, बेदी गए शुकल संसारा, तब हुई जन्नत बेकारी, समरत नाम हुए भरतारी। कहता ये शिफा जो बिना मोहम्मद पार न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब तक मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे, तेरा बेड़ा, जरा जोर से बोलो तेरा बेड़ा, और जोर से बोलो तेरा बेड़ा। बताओ ऐसा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं? आस्ते पढ़ना चाहिए कि जोर से? दिल से पढ़ो ताकि दिल की पिटाई हो जाए, इसमें बहुत गुनाह है। नौजवान लोग का हाल तो मत पूछो, रोड पे बैठा तजब होता है, लोग शर्म से हंसते हैं। ये मुस्लिम नौजवान है। एक नौजवान था खालिद बिन वलीद, वाह भाई वाह, क्या कहना, बहुत तुम हक है। 22,000-62,000 का लश्कर, दोनों तरफ से नंगी तस्वीर, हुस्नो जमाल की मलकाओं की, इश्क और जज्बे का इम्तिहान। उस नौजवान ने कहा, मेरे सिपा सलारों, मैं जो निगाह बचा लिया उसने अपने इश्क को बचा लिया है। वाह वाह वाह, बेशक हक है, हक है, बहुत खूब। आज हमारी निगाह महफूज नहीं। मस्जिद में चले जाओ तो वो नमाजी लोग मिलते हैं कि अगर रुकू करे तो सजदा में पहुंच जाए। ऐसा नहीं लगता एक्सरसाइज कर रहा है कि नमाज पढ़ रहा है। नौजवान लोग गुटखा,
शर्म है, ताज्जुब है। और मुस्तफा आ गए तो हमें जीने का तरीका बताया। वाह सुभान अल्लाह। इस कोरोना काल में क्या हुआ था, हाथ धो मुंह धो, स्वच्छ रहो, नहीं तो स्वानम स्वाहा हो जाओ। वाह भाई वाह। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया। एक अमेरिका के स्कॉलर ने कहा था, आज हमें इलाज बता रहे हैं, हाथ धो मुंह धो साबुन से, सैनिटाइजर में जो 5 बार नमाज पढ़ेगा वजू करेगा, और जो वजू करेगा पाप तो खत्म हो ही जाएंगे, बीमारी भी खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत गुब्बा सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो, अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, हजरत हजरत बहुत टेंशन है, कहे का टेंशन का सोचा था बेटा को जवान करेंगे कमा के खिलाएगा, लेकिन ये उल्टे खिलाना पड़ रहा है। एक हमारे गांव में नेपाल में एक हमारे अख्तर भाई है, बोला कि चचा है, बोला ए मौलाना साहब हमने कहा बात है चचा, बोला हजरत का हजरत बेटा को पढ़ाए इसलिए कि सबको ठीक करेगा, ये तो हम ही को ठीक करने लगा है। ये हाल है। आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, हजरत शराबी के साथ शराबी बन गया, झूठा के साथ झूठा बन गया, गलत काम करने वालों के साथ गलत बन गया। लेकिन आओ हम जिस नबी के जलसा में बैठे हैं, मेरे नबी ने 40 साल जिंदगी 40 साल जिंदगी उसके दरमियान गुजारा, जो शराबी जुआरी मक्कारी अय्यारी खत्तारी जिनाकारी शराबखोरी सारी बुराइयां उसके अंदर भरी थी, जहां हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां, शराब ही शराब, कबाब ही कबाब, चारों तरफ बुराइयां, जंगों जिदाल कत्लों के दाल, ऐसे बीच में मेरे नबी ने 40 साल जिंदगी गुजारा। तो उन 40 साल जिंदगी में अरब के बड़े बड़े पढ़े लिखे ने कहा था, अगर इस वक्त अगर किसी सच्चे को देखना है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देख लो, किसी पाक साफ को देखना है तो मोहम्मद को देख लो, किसी सादिकुल वादुल अमीन को देखना हो तो मोहम्मद को देख लो। मुस्तफा आए, किरदार बदलने लगा है, माहौल बदलने लगा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और भयानक तारीख बताऊं, आज हमारी बेटियां शादी हुई घर में आए मालिक बन जाती है, ताला चाबी उसी के हाथ में, बेटा परेशान। उसकी वजह बताऊं, कारी साहब अगर इजाजत हो तो बता दो। आज एक नई बीमारी शुरू हुई है, बातचीत हुई शादी के, लड़का लड़की देख लिए, अब नंबर मिल गया। हेलो, एकदम फोन शुरू है, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई, मेरी काजू बादाम। बीबी भी खुश हो गई। नारे तकबीर, दोनों हाथों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत भाई शफीकुल्लाह साहब कबीला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी फूल चढ़ाए हैं सुबह चादर के। मैं बोला भाई गुस्सा में स्टेज का जितना माला था सब डाल दिया,
चलिए अल्लाह इनके हौसले को कबूल फरमाए। ये तो हम सुन्नियों की किस्मत है, चादर वाले भी हम ही हैं, फूल वाले भी हम ही हैं। चाहे हमें चढ़े चाहे आपको चढ़े, चढ़ना तो सबको है। हमें चादर से प्यार है, हमें फूल से प्यार है, ये भी किस्मत है। किस्मत ये चढ़ता भी कहीं कहीं है, ये चढ़ता भी कहीं कहीं है। अरे कहीं चढ़ता है तो पैर की ठोकरों में चला जाता है, कहीं चढ़ता है तो सीने की जीनत बन जाता है। जरा जोर से बोल दो। और अगर बुजुर्गों की बारगाह में चला जाए तो बीमारियों का शिफा बन जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोल दो और जोर से और लहरा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। सब लोग जिंदा हैं? जो लोग जिंदा है जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जो जिंदा है वो हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक आपके तरफ से रख लेता हूं, जरा जोर से बोल दीजिए। मुस्तफा आ गए आज नौजवानों की। चलिए ठीक था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी नहीं हुई, फोन शुरू। मेरी होने वाली जान, टेंशन मत लेना, मेरी माँ ठीक नहीं। दिन में 1,24,000 गाली देती है लेकिन मैं ठीक हूं। मेरा बाप भी पटर पटर करता है, मैं ठीक। मेरी बहन जो तेरी ननद है ना, दिन भर में 4 लकड़ी चलाती है लेकिन मैं ठीक हूं। नौजवानों को जरा करीब हो जाओ, अभी निकाह हुआ नहीं, अभी तेरे घर बीबी बन के आई नहीं, उसको पता चल गया मेरी सास ठीक नहीं है, मेरे ससुर ठीक नहीं है, मेरी ननद ठीक नहीं है, मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, ऐसा काम क्यों करते हो जो निकाह से पहले तेरे सारे घर वाले खराब हो जाते हैं। हमें निकाह सुन्नत रसूल है, निकाह से पहले बात करने का फतवा किस मौलवी ने दे दिया है, किसने तुझे जायज का फतवा दे दिया है कि शादी नहीं हुई बात शुरू कर दो, जब तक निकाह नहीं हुआ तेरे लिए वो गैर महरम है, हर हाल में बात हराम है। अबे जब शादी हो और जब तेरी बीबी घर आए तो अपने बीबी को बैठाओ और खुद भी बैठ जाओ, और अपने माँ बाप को बुलाओ और अपने माँ बाप को बैठाओ और अपने बीबी से कहो, ए मेरी बीबी ये दोनों मेरी जन्नत है, ए मेरी बीवी ये मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है। अगर चाहते हो कि मैं राजी हो जाओ, खुदा राजी हो जाए, तो हम दोनों मिल करके इन दोनों को राजी कर ले। दोनों राजी हो गए मुस्तफा राजी हो गए, दोनों राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। वाह बाबा, जरा जोर से बोल दीजिए, लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह, सुननी वाली आवाज, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अभी तो झंडे भी लगाना है, झंडे लहराना भी है, झंडे लेके घूमना भी है। कुछ लोगों का पेट, हमें टेंशन नहीं, अल्लाह का शुक्र। हाँ भाई, आखिरी कुर्बान गाह है, कुछ भी हो सकता है। जरा जोर से बोल दो, बस एक तारीख सुनिए। हाँ बिल्कुल सुनाइए, अगर इजाजत है तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से और जोर से। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मुस्तफा आए तो सबसे ज्यादा एहसान इन बच्चियों पे हुआ। बेशक बेशक। जो जमीन के नीचे गाड़ी जा रही थी, आज भी बेटियां जुल्म बना दिया हमने। आजकल तो शादी में हीरो हुंडा, यमहा, 5,00,000,
इतना बड़ा फकीर के गरीब नवाज का मजार भी फेल, इंटरनेशनल फकीर। ए नौजवानों, ये इस्लाम के शहजादों, मुस्तफा ने अपने बेटियों से प्यार किया है, इन बेटियों को समाज में बोझ मत बनाओ। ये वो है कि आज बेटी है किसी की बीबी बनेगी, कल किसी की माँ बनेगी, मौला उसी के कदम के नीचे जन्नत बना देगा। जरा जोर से बोल दीजिए और जोर से। आज का जलसा माशाल्लाह बहुत अच्छा, दिलवर शाही शाही इतना सुनाया, मस्त हो गए। बगदाद मैंने देखा नहीं, और हम लोग तो देखते हैं रोज, आंख बंद करो तो कसम खुदा की गुंबदे गौस नजर आ जाता है। कौन इश्क होना चाहिए, कौन कहता है कि आका रहते हैं मदीने में, गलत है वो रहते हैं हर आशिकों के सीने में। और हम लोग तो कहते हैं कि तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमा टिका रहे हैं, बनी है जिल के लिए ये दुनिया, बनी है जिल के लिए ये दुनिया, वो आज तशरीफ ला रहे। आज नबी की आमद पे अल्लामा माशाल्लाह सोफिये बाशफा आलिम रब्बानी हजरत अल्लामा कारी ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, हमेशा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है। एक सच्चे सुन्नी आलिम की यही पहचान है। उल्लू ऐसा लगता है अस्पताल से निकल के है, ऊपर भी काला अंदर भी काला, ऊपर भी काला, और जैसे ही ये जुलूस निकलता है पहुंच गए थाने में, बंद बंद। ये लोग ऐसा झंडा लगाते हैं जिस पे कुछ लिखा होता है। तो दरोगा बड़ा समझदार था, पूछा भाई झंडे पे क्या लिखा होता है, बोला लिखा रहता है निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां आ रहे हैं। तो इंस्पेक्टर ने पूछा भाई शेर तो बड़ा खूबसूरत है, इससे तकलीफ तुमको काहे है, बोला आप नहीं समझते इसमें जो शैतान लिखा है ना वो हम ही लोगों का नाम लिखा। तब उसने कहा तुमसे बढ़िया तो एक हमारे साधु जी हैं जो कहते हैं कल संद्रम रूप कावल मुश कावे अवाह मोहम्मद जग जग छाए। माशाल्लाह, चलिए भाई जितना 10 का नोट है सब दे जाओ ताकि किराया तो वसूल हो ही जाए। तेरा मुस्कुरा के बोल दो सुभानअल्लाह। जो लोग इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटाना चाहता है वही बोल दो सुभानअल्लाह, जो गर्दनें कटाना चाहता है वो हाथ उठा दो। ए अल्लाह, जितने लोग हाथ नहीं उठाए उन्हें हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा। मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में अली अकबर की ताकत अता फरमा। मौला जितने हाथ उठे हैं उनके घरों से सारी बीमारियों को दूर कर दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो मजहबे इस्लाम, और जोर से मजहबे इस्लाम। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सब मिलके बोलो फरमाना छोड़ो। अल्लाह का शुक्र है
आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने अल हिरा हाजरा मस्जिद और मदरसा सरफराजुल उलूम बहाव दिया। चलिए माशाल्लाह, कम से कम 2 किलोमीटर तो सफर किया ही जा सकता है। ये हमारा खजाना, इसको अलग कीजिए। अब मेरी दिली ख्वाहिश है, हम सब मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, सारी चीजें धरी के धरी रह जाएंगी, जाने वाली हमारे नेक आमाल ही है। तो आज देखना है कि आज रबीउल नूर शुरू है, 11वीं शब है। मैं तो आपसे ये नहीं कह सकता कि 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, जिसका इश्क जितना बुलंद है, जिसके सीने में जितनी मोहब्बत है, अपनी मोहब्बत का इजहार करे। और ये रुमाल मैं फैला देता हूं हाजरा मस्जिद। कौन हाजरा? जिसने इस्माइल को जन्म दिया। सुभान अल्लाह। जिस इस्माइल के खानदान से मेरा नबी आए, हर आदमी उठे, अपने जेब में हाथ डालो, जिसके पास 10, 20, 50, 100, 1,000, 10,000, 20,000 जितना हो, अल्लाह के घर के लिए अपने जेब में हाथ डालो, मेरी झोली में भर दो। तुझे तेरे माँ के दूध का वास्ता है, जो अपने माँ का एक कतरा दूध पिया हो, आज अपने माँ का सदका उतारो। आओ, करबला में हुसैन ने सब कुछ लुटा करके दीन को बचाया है, आज हमें मस्जिदें की हिफाजत करनी है, मदरसों की हिफाजत करनी है, मुस्तफा के कानून की हिफाजत करनी है, समाज में मोहब्बत फैलाना है, समाज में प्यार फैलाना है। कोई नौजवान बैठा नहीं रहेगा, मैंने तुझे तेरे माँ के मोहब्बत का वास्ता दिया है, तुझे तेरे माँ के प्यार का वास्ता दिया है, तुझे मैंने तेरे माँ के दूध का वास्ता दिया है। ए हमारी हवा की बेटियां, तुम भी छोटी छोटी बच्चियों के पास अगर तेरे जेब में पैसे है तो पैसे दे दो। मैंने तो देखा है बंगाल की हमारी माँ बहने अपने नाक की बाली को भी दे दिया है, हाथ के हथकड़ी को भी दे दिया है, पैर के पास सेब को भी मुस्तफा के दीन के लिए ये हवा की बेटियों ने लुटा दिया है। ये तो खातून जन्नत की कनीज बनने वाली है, ये तो जैनब के आंचल में जगह लेने वाली है। आओ मुस्तफा का दीवाना आ जाओ, आ जाओ गौस का दीवाना आ जाओ, आओ गरीब नवाज के हिंदुस्तान में जीने वाला मुसलमान आ जाओ। मैं तुमसे 1,000, 10,000 तो नहीं मांगा हूँ, 10, 20, 50, 100,000 मांगा है। आओ, तेरे इश्क का इम्तिहान है, तेरे जज्बे का इम्तिहान है। आओ, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी सदाकत को सलाम, तेरे प्यार को सलाम, तेरे आने को सलाम, तेरे जाने को सलाम। आज तूने अपने मोहब्बत का हक अदा कर दिया है, अपने प्यार का हक अदा कर दिया है, आज तूने अपने जज्बे का हक अदा कर दिया है, आज तूने दे दिया है। हमारी माँ बहनों के बीच में 2 छोटे-छोटे बच्चों को भेज दीजिए, ताकि हमारी माँ बहनें भी 10, 20, 50, 100,000 जितना हो सके अपने माँ बाप के नाम पर हिस्सा ले ले, नबी के नाम पे हिस्सा ले ले, आमना के नाम पे हिस्सा ले ले, मुस्तफा के खानदान के नाम पे हिस्सा ले ले। आ जाओ मुस्तफा का दीवाना, आ जाओ, आ जाओ गौस का चाहने वाला, आ जाओ। कुरान कहता है वो अम्मा बिनेमत रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। तो किस नेमत का चर्चा करे? का हाथ का चर्चा करे, पैर का चर्चा करे, नाक का चर्चा करे, जमीन का चर्चा करे, आसमान का चर्चा करे? नहीं नहीं, उस नेमत का चर्चा करो जिसके जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है, जिसके सदके में आसमान को पैदा किया है, जिसके सदके में सजरो हजर को पैदा किया है, जिसके सदके में हमें जिंदगी मिली है, जिसके सदके में हमें प्यार मिला है। वह अब नबी का चर्चा करो। वो आ गए तो कायनात में बहार आ गया, बरेली का इमाम पुकार उठे, जमीनो समा तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए।
लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, देहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, जिंदगी ने वफा किया फिर मुलाकात होगी। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ हो, मैं अपने उलमा को गवाह बना के तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व तुबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा जोर से बोलो सरकार की आमद, दिल से बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सब मिल के बोलो, शर्माना छोड़ो, जरा जोर से बोलो। कर बेहिसाबो किताब मुझे जन्नत में दाखिल फरमाना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अस्सलाम।